उठ जाओ बेटा, देखो मैंने आज तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। उठो, फिर हमें दादी के घर भी तो जाना है, गाड़ी आती ही होगी। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो बेटा तैयार हो जाओ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे ये क्या? पानी ही तो है। ये क्या? आपकी मदद कर रही हूँ। बंद करो वरना टैंक खाली हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखिए वरना एक दिन धरती का टैंक भी खाली हो जाएगा और हम सब बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। सॉरी बेटा, अब से मैं उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखूंगा जिनसे पानी की बर्बादी ना हो। पानी है अनमोल, समझो पानी का मोल। क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही हूँ। अरे पानी आरो का बर्बाद हो रहा है। पानी ही तो है। क्या हम इसे पौधे धोने में या गाड़ी धोने में इस्तेमाल नहीं कर सकते? सही कह रहे हैं आप। पानी है अनमोल, समझो पानी का मोल। कहाँ जाने की तैयारी है? ऐसा है, छुट्टियां पड़ रही हैं तो सोचा कहीं घूमा। लेट हो जाएंगे। कहाँ? राजस्थान जाने का प्रोग्राम बनाया है। आजकल के लड़कों को तो बस घूमने का बहाना चाहिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, चली जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। इतना मत रगड़िए, रंग उतर जाएगा। अरे भाई धुलाई तो करना पड़ेगा ना, इसको खरीदने के लिए मैंने पैसा पानी की तरह बहाया है। लेकिन पैसे की तरह पानी तो मत बहाइए। अरे छोड़िए भाई साहब, पानी तो है। लेकिन भाई साहब इस तरह भी मतलब पाइप से गाड़ी रगड़ते रहेंगे तो एक दिन हम सब एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, आज के बाद मैं गाड़ी बाल्टी से ही धोऊंगा। पानी है अनमोल, समझो पानी का मोल। अरे वाह क्या बात है ये। नमस्ते चाची। नमस्ते ताई जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप? आओ आ जाओ। अरे मनीषा, मैंने सुना है शहर में मोहित के बड़े ठाट हो रहे हैं। तभी तो खुद नहीं आते। नहीं ऐसा नहीं है, उन्हें ना ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल पाती है। अच्छा, बड़ी गर्मी पड़ रही है। हाँ लोग हैं कि बिजली और पानी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इतनी गर्मी में हमें पेड़ लगाने चाहिए। सही कह रही हो। चलो किचन में कुछ काम कर लेते हैं फिर बैठेंगे। हाँ कुछ बन भी जाएगा और हमारी बातें भी हो जाएंगी। चलो और बता अब क्या करें? अब सब काम हो गया, तैयार भी हो गया, दाल भी बन गई है, सब्जी भी बन गई। बस मैं आटा मल लेती हूँ। राम राम ताऊ। राम राम बेटा। पानी आया क्या? ना अभी ना आया बेटा। ये शहर वाले पानी बर्बाद करना छोड़े तभी तो पानी नसीब होगा। सही कहा, हमारा जीवन तो इन शहर वालों ने रखा है, इनकी गाड़ी धुल जाए चाहे हमें पानी मिले या ना मिले। बेटा हमारी तो आंखें पथरा गई हैं पानी की बाढ़ जोते जोते। सरकार भी कुछ नहीं करती है, वो भी इन शहर वालों के ही साथ है। इंतजार के अलावा कोई उपाय नहीं। अब जब भी शहर वालों से पानी हमें मिलेगा तब भी पानी पीने को मिलेगा। हमारी जिंदगी तो भगवान से पहले ये शहर वाले ले लेते हैं, पानी की एक एक बूंद को तरसा कर।
अरे आप लोग बातों में बिजी हो, ये देखो सिंह में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? पानी ही तो है। पानी तो है। हाँ है तो पानी, पर आप बर्बाद कर रहे हो। और ऐसा हो सकता है कि किसी को पीने का पानी भी ना मिल रहा हो। पानी है अनमोल, समझो पानी का मोल। अरे वाह कितना बढ़िया है भाई, राजस्थान में अपने लोग जो है गांव और रेगिस्तान में भी घूमने जाएंगे यार। गांव कितना बढ़िया है। बिल्कुल, शहर के साथ साथ इस बार गांव में भी घूमने जाएंगे। देखो हवा महल में तो हर कोई रील बनाता है, सही बात। हम तो गांव में भी रील बनाते हैं। बिल्कुल सही बोला भाई, सही बात। चलो पानी के साथ रील बनाते हैं। अरे पानी बर्बाद हो जाएगा। तो गाड़ी में आ जा भाई, चलो बढ़िया निकलते हैं, हम सीधा चलते हैं। हम ठीक है, अरे यार जरा पानी देना, बहुत प्यास लगी है। पानी पानी खत्म कर दिया ऐसे रील बनाने के चक्कर में। अरे यार पानी का कोई तो जुगाड़ करो, वरना प्यासे मर जाएंगे। मुझे भी बहुत प्यास लगी है। अच्छा गुस्सा मत करो यार, रास्ते में खरीद लेंगे या जुगाड़ कर लेते हैं। चलो फिर ठीक है। पानी 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 दादाजी को पानी, दादाजी पानी, दादाजी पानी, अरे पानी, दादाजी को पानी, पानी को पानी, अरे पानी को पानी, पानी को पानी, पानी पानी, दादाजी को पानी, पानी पानी, दादाजी पानी, पानी 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 पानी, अरे भाई क्या जिंदगी है हमारी, क्या बदनसीबी है। और देखो शहर में पानी बर्बाद हो रहा है और व्यवस्थाओं सूखे के कारण हमें अंतिम समय में ही पानी नहीं मिल रहा है। हमारी किस्मत तो देखो, यहाँ हम आखिरी सांस तक पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और शहरों में टैंकर के टैंकर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। चलो अंतिम यात्रा की तैयारी करिए। अरे 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 बड़ी आई पानी भरने वाली, यहाँ हम दो घंटे से धूप में खड़े और ये आ गई पानी भरने। जा जा आराम से खड़ी हो, हट। बड़ी आई शहर से, शहर से आई तो शहर वाली समझ रही है, चल हट हट, चल हट यहाँ से। सब गंवार बनी यहीं खड़ी रहो, मैं जहाँ खड़ी होती लाइन वही। अरे जा, आगे आई तो मुंह तोड़ दूंगी, मुंह तोड़ दूंगी ज्यादा बोलेगी। अरे 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 आपस में लड़ो मत, टैंक का पानी खत्म हो गया तो हम यहाँ लड़ते ही रह जाएंगे सारे। अरे जल्दी भरना, अरे पानी तो भरने दे। अरे अब नहीं मिलेगा लाइन में, बहुत बहुत लंबी लाइन हो गई। पानी खत्म? अरे देख क्या रहे हो, पानी खत्म हो गया, अब दो दिन बाद टैंकर आएगा, उसके भी कोई उम्मीद नहीं है बारी आए या ना आए पानी की। अरे पानी यार, यार अरे यार अब क्या करें यार, काश बर्बाद नहीं किया होता। बैठ। आज कड़ के लड़के भी ना, इनको देखा जीजी, देख 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 कैसे जा रहे हैं। अरे ये क्या हुआ, गाड़ी को यहीं खराब होना था, यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है। चलो चलो उतरते हैं, देखें क्या हो गया गाड़ी। अरे यार लगता है गाड़ी खराब हो गई, अभी गर्म है। अरे ये तो बहुत गर्म हो गई गाड़ी, खराब हो गई गाड़ी। अरे क्या हो गया यार गाड़ी में, गरम तो नहीं पड़ गई, खराब हो गई। लगता है यहाँ से गांव बहुत दूर है। अरे वो देखो देखो
लो। देखो अरे इनको तो रास्ते में देखा था। लोग हैं प्लीज कुछ हमें बहुत प्यास लगी है, हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। पानी देकर थोड़ी हमारी मदद कर दीजिए, हम परदेसी हैं। पैसे ले लेना पानी के। अरे मैडम। जी जी इन लड़कों की बातें सुनो, ये लो पैसे, हमारे लिए भी 10 पानी की बोतल ले आना। अरे आप तो नाराज हो गए, अगर ऐसा है तो हमें इतना तो बता दो पानी की दुकान का हम वहीं से खरीद लाएंगे। थारे शहर की तरह हमारे गांव में पानी की दुकान ना होवे हैं। अच्छा सुनो, हम थारी परेशानी समझते हैं, शायद तुम्हें नहीं पता कि ये पानी का मटका अपने सर पर रखकर हम कितनी दूर से ला रहे हैं। जी जी इनको पानी पिलवा दो। ये पीने का पानी है, मुंह धोने का ना है। बड़े अमीर लोग हैं, पीने का पानी अलग, मुंह धोने का अलग, और कहते हैं राजस्थान में पानी की कमी है। इन्हीं शहरी लोगों के कारण मारे हिस्से का पानी मारी टोटी तक ना पहुंच पाता। इनके ठाट तो देखो, सुबह से शाम तक लाखों लीटर पानी बर्बाद करे हैं, और आज जब जरूरत पड़ी तो पैसे से खरीदार की बात करे हैं। शशांक भाई यार बोतल भर लो, खाली बोतल भर लो यार, बोतल 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 हमारी गाड़ी में और डाल देना पानी। पानी है अनमोल, समझो पानी का मोल। सही बात है, इसमें हमारी गलती। सही कह रहे हैं। हाय 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 हेलो हाय 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 हेलो यार, जमीन तो बहुत है हमारे पास, गांव के बीच में एक फार्म हाउस बना दें तो मजा आ जाएगा। या केवल फार्म हाउस बनाने का क्या मजा? क्या मतलब है तेरा? फार्म हाउस में तुझे और कह दें, गांव में क्लब खोल दे क्या? यार क्लब तो अपने शहर में ही ठीक है, बट स्विमिंग पूल के बिना फार्म हाउस का क्या मजा? ठीक है सर, अगर आपने तय कर ही लिया है इस जमीन पर फार्म हाउस और स्विमिंग पूल बनाने का, तो मैं नक्शा तैयार कराता हूँ। स्विमिंग पूल के पानी के लिए या तो हमें रिसाइकल प्लांट लगाना होगा या फिर सोखता बनवाना होगा, जिससे पानी की बर्बादी ना हो। यार अपनी ही तो है, आपको पता है अपनी धरती में 70% पानी है और आपको पानी की पड़ी है। यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो फार्म हाउस की बाउंड्री से सीधे पानी नाले में बहा देंगे। ऐसे तो पानी की बहुत बर्बादी होगी। होने दो बर्बादी, हमें क्या, पानी ही तो है, और फिर स्विमिंग पूल बनाने में भी तो बहुत खर्चा होगा। ठीक है सर, जैसा आप लोग कहें। ओके ऑलराइट देन। कान पर लगाए रखी है इस फोन ने, कौन से है फोन पे? कोई ना अम्मा, मारे पियर से फोन से। ए जीजी, इसका सारा ध्यान फोन में लगा रहे से, घर के काम की इसको सुध कोन्या। ई दोनों बुढ़िया इस उम्र में सटिया गई से, साबा दिन काम करने के बाद भी ताना मारन से बाज को नहीं आवे। चलो अब स्कूल को निकलो। चलो अब खड़े हो जाओ। चलो चलो वरना आज भी टीचर डांटे नहीं है। हाँ हाँ सही बात है। अरे फार्म हाउस तो खुला है, चल अंदर चल के देखते हैं। चल यार, शहर से दूर फार्म हाउस पे कितना मजा आ रहा है ना। यार इससे ज्यादा मजा तो इस पूल के ठंडे और ताजे पानी का है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। ओए देख इस पानी में तो घना मजा आवेगा। मारी अम्मा तो जरा से पानी नला देवे। चल आ...
आओ बालको, कपड़े लत्ते उतार लो, तब तक मैं खाना लगाऊं सु। ठीक है माँ। सारा दिन पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, खेल कूद में लगा रहता है। स्कूल को तैयार हो और चलो जरा स्कूल में पढ़ाई मन लगा के करो। चल एक बार दोबारा से जादुई छोड़ देखन चलते हैं। चल ठीक है चलते हैं। अरे अरे ये तो पानी किद गया, ये तो जादुई छोड़ से। अरे यार स्कूल के लिए देर हो रही है, चल चल चलते। चल आज भी पूल देखने चलते हैं। ये ओ ये यार ये पानी ठंडा नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ा ताजा पानी भरवा दो। मम्मा हमारे गांव में एक जादू छोरा है से। अरे बावड़ी के कह रहा से। अरे कौन सा जादू जोर से, मने बतलाओ बाल को। अरे अम्मा इनकी बातों में ना आओ, ये तो ख्याली पलाव पकावे हैं। इन बालकों ने कुछ देखा है तो सांची होगा। चलो रे बाल को मारो भी दिखा कौन सा जादू जोर से। मने तो दाल में कुछ काले लगे से, देख के हमें के मज रहा है। चलो अम्मा जी देखने चले कोई पानी की बर्बादी कौन करे से। सब लोग अंदर कैसे घुसे चले आए? ये मेरा पानी है, चाहे मैं इसे बर्बाद करूं या कुछ भी करूं, तुम लोगों पे क्या फर्क पड़ता है? अरे ओ बावड़ी पूछ, पानी तेरा या मेरा ना होवे, पानी तो हम सबन का होवे है। तुम शहरी लोगों को कुछ काम धाम ना आवे, दो पैसे के कमा लिए गांव में आकर मौज मस्ती के लिए ऊट पटांग हरकते करो। पानी की कीमत हम जाने, बर्बाद ना करे है। तुमने दो अक्षर क्या पढ़ लिए, तुम तो हम अंगूठा चाप से भी गए गुजरे हो। पानी को बर्बाद करना जिंदा आदमी को मारने के समान है। कभी मारी तारिया भी सोच लिया करो कि गांव की भलाई किस तरह होवे है। कौन वास्तुकार है, जरा लट पड़वाओ इसे, सलाखों के पीछे करवा दो इन्हें। अरे ऐसे मत कहिए, हमें समझ आ गया है, बहते हुए पानी का रोकने का कोई ना कोई हम उपाय कर लेंगे। पानी है अनमोल, समझो पानी का मोल। पता है जल है तो कल है।
से बड़ा धन है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। कहना रखेंगे हिसाब तो अगली पीढ़ी को क्या देंगे हम जवाब। सेक्रेटरी ऑफ रोटरी क्लब चंदौसी रॉयल्स, हमारे क्लब ने एक छोटी सी पहल की है वाटर क्राइसिस की अवेयरनेस बढ़ाने की हो, और हम आप सबसे आशा करते हैं कि आप भी सेव वाटर कैंपेन में हमारा साथ देंगे और इस कैंपेन को आगे से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बचेगा जल तो बचेगा कल। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रोटेरियन निखिल अग्रवाल, प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब चंदौसी रॉयल्स। दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अवर क्लब टू रिलीज अ वीडियो ऑन सेव वाटर आखिरी बूंद, बचेगा जल तो बचेगा कल। थैंक यू। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम सुनते हैं कि भविष्य में दुनिया में पानी के लेकर के युद्ध होने वाले हैं, हर कोई ये बात बोलता है, लेकिन क्या हमारी कोई जिम्मेवारी है? क्या हमें नहीं लगता है कि जल संरक्षण ये सामाजिक जिम्मेवारी होनी चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होनी चाहिए? बारिश की एक एक बूंद हम कैसे बचाएं? और हम में से सबको पता है कि हम भारतीय के दिल में जल संरक्षण ये कोई नया विषय नहीं है, वो किताबों का विषय नहीं है, भाषण का विषय नहीं रहा, सदियों से हमारे पूर्वजों ने इसे जी करके दिखाया है। एक एक बूंद पानी के महात्म्य को उन्होंने प्राथमिकता दी है, उन्होंने ऐसे नए नए उपाय ढूंढे हैं कि पानी की एक एक बूंद को कैसे बचाया जाए।